ड्रैगन फ्लाइज आर नोन टू बी एक्सपर्ट फ्लायर्स। जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो जानी जाती हैं कि वे एक्सपर्ट फ्लायर्स हैं, यानी कि अच्छी उड़ने वाली हैं। दे कैन नॉट ओनली फ्लाई स्ट्रेट अप एंड डाउन, दे कैन इवन सोर एंड लिंगर एट वन स्पॉट जस्ट लाइक ए हेलीकॉप्टर। वो ना केवल सिर्फ ऊपर या नीचे जा सकती हैं, बल्कि वो किसी स्थान पर ठहर भी सकती हैं, लिंगर भी कर सकती हैं, यानी कि चंद उड़ते उड़ते वे किसी एक स्थान पर रुक भी सकती हैं। इफ दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, दे विल नॉट बी एबल टू हैव फूड एज दे ओनली ईट प्रे दैट दे कैच वाइल फ्लाइंग। तो अगर ड्रैगन फ्लाई ना उड़ पाती तो वो जीवित ना रह पाती, क्योंकि जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो सिर्फ उसी प्रे को यानी उसी शिकार को पकड़ती हैं जिस समय वो उड़ती हैं। ड्रैगन वेट नेक्स्ट लाइन, ड्रैगन फ्लाइज इज एन अमेजिंग इंसेक्ट, एक अमेजिंग इंसेक्ट होती है। डू यू अग्री, क्या तुम इस बात से अग्री करते हो? फाइंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रैगन फ्लाई एंड राइट फाइव मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस इंसेक्ट। डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन क्लास। सो वी आर नॉट इन द क्लास, सो यू कैन डिस्कस दिस थिंग इन विद योर फैमिली मेंबर्स, राइट? नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। In the midst of a dense green forest was a tranquil pond inhabited by community of water bugs. So उत्तर कहते हैं हमें कि डेंस फॉरेस्ट के अंदर, जो ग्रीन डेंस फॉरेस्ट था उसके अंदर एक बिल्कुल ही शांत सा पोंड था। ट्रैंक्विल मीन्स लाइक वेरी काम, वी कैन से दैट बिल्कुल शांत। एक ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक बिल्कुल ही शांत पोंड था और वहां पे बहुत सारे वाटर बग्स रहते थे। वाटर बग्स मींस लाइक वाटर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बोलते हैं वाटर बग्स। अ थिक लेयर ऑफ सॉफ्ट मड हैड कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जो पॉन्ड का बॉटम था, बिल्कुल तली वाला पार्ट था, वहां पे एक मड की यानी कि एक मिट्टी की कीचड़ की एक बिल्कुल एक लेयर बन गई थी मोटी सी बहुत टाइम स्पेंड होने के बाद। हियर द वाटर बग्स स्क्रीड अबाउट अनअवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वट इट हेल्ड। सो वहां पे उस जो लेयर बनी हुई थी वहां पे उसके जो वॉटर बग्स होते हैं वो वहां पे दौड़ लगाते हैं। उनको नहीं पता होता कि बाहर के संसार में क्या हो रहा है, यानी कि पानी के बाहर क्या हो रहा है। इन देयर ओन वे दे वर अ हैप्पी कंटेंटेड लॉट लिविंग अ परफेक्ट हार्मनी विद देयर इन्वायरमेंट। तो वो वहां पे बिल्कुल मजे से रह रहे होते हैं, खुश होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं अपनी उस लाइफ से और इन्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल मेल मिलाप के साथ रह रहे होते हैं, यानी कि जिस तरह का वहां पे इन्वायरमेंट होता है पानी में उनसे वो खुश होते हैं। नाउ एंड देन अ वाटर बग वुड क्लिंग टू द स्टोक ऑफ अ वाटर लिली एंड लेबोरियसली वर्क इट्स वे अप। तो वो देखते हैं कि बार बार ना कभी कभी क्या होता है, एक वाटर बग एक जो स्टोक होता है एक लिली फ्लावर का, यानी लिली फ्लावर की जो डाली होती है उस पे एक बग चिपक जाता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, बहुत मेहनत करता है ऊपर की तरफ जाने में, एंड डिसअपियर फ्रॉम व्यू। और फिर वो बाद में व्यू से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि आंखों से ओझल हो जाता है। One day early, a lady water bug was spied moving slowly up to the lily stalk. एक दिन क्या होता है, एक लेडी जो वॉटर बग होता है उसको देखा जाता है कि वो एक लिली स्टोक पे चढ़ रही है। What is she up to? Ask a water bug. Water bug. एक बग ने, वॉटर बग ने दूसरे पूछा कि क्या कर रही है वहां पर, उस स्टोक पर क्या कर रही है। Why is she climbing up the stalk? वो उस स्टोक पर क्यों चढ़ रही है। अनदर वांटेड टू नो, दूसरा जो बग था वो उससे पूछती है कि वो स्टोक पर क्यों चढ़ रही है। सो सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर रिटन हियर, लेट्स रीड देम। ट्रैंक्विल मींस लाइक काम, बिल्कुल शांत। नेक्स्ट इनहैबिटेड मींस लिव्ड इन, यानी कहीं पर रहना। नेक्स्ट स्क्यूरिड मींस मूव अबाउट क्विकली एंड हरीडली, बहुत तेजी से या जल्दबाजी में कहीं जाना या चलना।
laboriously means with a lot of difficult and efforts, यानी कि पूरी मेहनत से. Spied means noticed secretly, यानी किसी को नोटिस करना, किसी को देखना, स्पाई करना. Where is she going? दूसरी जो एक बग होती है वो कहती है, थर्ड इंक्वायर्ड, थर्ड वाली कहती है कि ये कहाँ जा रही है. बट देर वॉज नो आंसर, परंतु किसी के पास भी, उन जो वॉटर बग्स होते हैं, वो ड्रैगन फ्लाई जो होती हैं, जो अभी बग्स होती हैं, उनके पास इस बात का आंसर नहीं होता. द लीडर ऑफ द कम्युनिटी हुज विजडम एवरी वन रिस्पेक्टेड गैदर हर पजल्ड फेलो बग्स टूगेदर एंड एड्रेस देम. जो उन वॉटर बग्स में से जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बग होती है, वो उन सभी को अपने पजल फेलो को जो पजल होते हैं इस बात से कि एक जो बग है वो एक स्टोक के ऊपर चिपक के ऊपर की तरफ जा रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है, और वो बाद में डिसअपीयर यानी कि आंखों से ओझल क्यों हो जाती है. तो वो जो एक लीडर होता है, लीडर बग होती है उस कम्युनिटी की, तो उनको गैदर करती है, इकट्ठे करती है. देन कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स विद यू. वो जो लीडर बग होती है उसे कहती है कि मैं अपनी थॉट्स हैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ. द नेक्स्ट वन टू गो अप द स्टोक मस्ट रिटर्न टू टेल अस वेयर एंड व्हाई ही एंड शी वेंट एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड आवर वर्ल्ड. तो उन बग्स में से जो लीडर बग्स होती है वो कहती है कि नेक्स्ट जो भी अब ऊपर जाएगा उस स्टोक में से, स्टोक पर चलकर चढ़कर उस पानी के बाहर जाएगा, उसको पक्का वापस आना है और हमें बताना है कि वे वहां पे क्यों जाती हैं, और जो बग्स होते हैं वो पानी के बाहर क्यों जाते हैं, और पानी के बाहर वाला जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो मतलब उसमें क्या हो रहा है, हमें जरूर बताएगा. वो बग जो भी बाहर जाएगी वो हमें वापस आके जरूर बताएगी कि क्या होता है बाहर के संसार में, पानी के बाहर जो जाते हैं उसमें तब क्या होता है. द लिसनर चीयर्ड देयर लीडर्स फॉर हर ग्रेट आइडियाज व्हाट टू डू एज शी बिड. तो लिसनर जो सुन रहे थे उसकी बातों को, दूसरे बग्स थे, तो उन्होंने उसको चीयर्ड किया, यानी कि उसकी जय जयकार की, और फिर और इस बात की उन सभी ने कसम उठाई कि वे वही करेंगे जैसा उनको बताया गया है. राइट. सून आफ्टर द मीटिंग ऑन द वार्म स्पाइंग डे द लीडर हरसेल्फ क्लंग टू द स्लिपरी स्टोक ऑफ अ वॉटर लिली. तो उस मीटिंग के बाद, उस गर्म दिन में, उस वार्म स्प्रिंग डे में, जो लीडर होता है उन बग्स में से, वो लीडर खुद ही उस स्टोक पे, जो स्लिपरी स्टोक होता है, जो उसका तना होता है, लिली जो फ्लावर होता है, वॉटर लिली फ्लावर होता है, उसका तना होता है, उस पे चिपक जाता है उस पे चढ़ने के लिए. स्लोली बट स्टीडली शी मूव्ड अप एंड अप. परंतु स्लोली परंतु लगातार वो उस बग, वो उस फ्लावर के स्टोक पर चढ़ती रहती है. इट वॉजंट ईजी दो. हालांकि उस पर चढ़ना, उस स्लिपरी स्टोक पर चढ़ना बहुत ईजी नहीं था, परंतु फिर भी वो लगातार बग ऐसा करती रहती है. शी वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एट टाइम्स. और कभी कभार वो थक भी जाती थी. सेवरल टाइम शी स्लिप्ड बट डिटरमिनली क्लाइम्ड ऑन. बहुत बारी वो वहां पे स्लिप हुई, परंतु फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ उस पे वो चढ़ती रही. टिल शी रीच द सरफेस ऑफ द वॉटर. तब तक वो कोशिश करती रही, तब तक वो चढ़ती रही, जब तक वो वॉटर के सरफेस पर, सतह पर नहीं पहुंच गई. एग्जॉस्टेड बाय हर एफर्ट्स शी ड्रॉप्ड ऑन अ बिग ग्राउंड लीफ. तो ऐसा करते जो बग थी वो बहुत ही ज्यादा थक गई, और जब वो उसके सरफेस पे पहुंच गई तो वहां पे एक लीफ पर वो लेट गई, उस पे गिर गई. कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. आफ्टर लॉन्ग स्लीप द वॉटर बग रियलाइज दैट शी फेल्ट डिफरेंट. तो तब उसके बाद क्या हुआ, जो वॉटर बग होती है वो उस लीफ पर सो जाती है, तो उसके बाद बहुत ही लंबी नींद आ जाती है उसको, और नींद के बाद जब वो उठती है तो बग रियलाइज करती है, शी लुक्ड एट हरसेल्फ एंड वाज अमेज्ड एट द ट्रांसफॉर्मेशन. वो अपनी तरफ देखती है और वो बहुत ही ज्यादा, वो बग अमेज्ड हो जाती है अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, अपने उस बदलाव को देख के. शी हैड ग्रोन फॉर सिल्वर विंग्स एंड ए लॉन्ग स्लिम बॉडी. तो वो देखती है कि जो उसके उसके पास चार विंग्स आ गए हैं,
और उसकी जो बॉडी है वो लॉन्ग हो गई है और स्लिम हो गई है. She was a bit moist, but the warm rays of sun soon dried her newly formed body. वो bit moist feel कर रही होती है, हल्का हल्का वो गीलापन feel कर रही होती है, परंतु जो rays होती हैं sun की उसको dry कर देती हैं, वो उसको सुखा देती हैं. She felt a great urge to fly and moved her wings a bit nervously. तो वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है कि वो अब उन जो उसके पर जो निकल आए हैं, उसके जो विंग्स निकल आए हैं, उसकी हेल्प से उड़े. देन गेनिंग कॉन्फिडेंस शी ट्राइड अगेन एंड फाउंड हरसेल्फ राइजिंग अप इन द एयर विदाउट मच एफर्ट्स. तो उसने क्या किया, उस बर्ड ने क्या किया, फिर उड़ने की कोशिश की और वो उस स्काई में, उस एयर में बिना ज्यादा एफर्ट पुट किए वो उसने पाया कि वो अब उड़ सकती है. She rejoiced in her new found freedom to fly about. वो अब जो बर्ड थी बहुत ज्यादा खुश थी अपनी उस न्यू फ्रीडम से, यानी कि पूरे आकाश में उड़ने वाली जो फ्रीडम मिल गई थी उससे, उससे बहुत ज्यादा खुश थी. It was heady experience and flitted about almost intoxicated. तो फिर ऑथर कहता है कि ये जो एक्सपीरियंस था उसका हैडी था, यानी कि एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था. शी फ्लिटेड अबाउट, फ्लिटेड अबाउट का मतलब होता है उड़ना. ऑलमोस्ट इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड मींस मदहोश होकर. तो अब वो एक मदहोश होकर हवा में उड़ रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, यानी कि डोल रही थी. ड्रैगन फ्लाई फॉर दैट वो शी हैड टर्न इट इनटू आफ्टर द metamorphosis could not see shell on her body. जो ड्रैगन फ्लाई जो पहले एक बर्ड थी परंतु अब उसकी काया पलट हो गई है, यानी कि metamorphosis का मतलब होता है कि transformation, यानी कि कोई बदलाव आ जाना. तो ड्रैगन फ्लाई जो पहले एक बर्ड थी वो अब एक ड्रैगन फ्लाई बन गई है, वो अपने शेल को, उन बॉडी के जो शेल होते हैं उसको नहीं देख पा रही थी. She thoroughly enjoyed herself and tried all sorts of acrobats until she felt tired and landed on a lily leaf to rest for a while. तो उसने उस फ्रीडम को, उस उड़ने की जो उसके पास कला आ गई थी, विंग्स आ गई थी, उसको पूरा एंजॉय किया और जितने भी शॉर्ट्स होते हैं एक्रोबैट्स के, यानी करतब के, तो जो भी वो करतब कर सकती थी स्काई में उड़ते हुए, तो उसने सारे किए तब तक वो उस लीफ पर लैंड नहीं हुए, जब तक वो थक नहीं गई रेस्ट लेने के लिए, फिर वो उस लीफ पर लैंड करती है. As she lay there idly, she happened to see the pond bed. तो जैसे ही वो वहां पे उस लीफ पर आ जाती है तो उस पॉन्ड को एक बेड के रूप में देखती है. Through the clear water everything was visible and she spotted the water bug community below hard at work as usual. तो जैसे वो पानी की तरफ देखती है, वो देखते है कि बिल्कुल पानी क्लियर होता है, साफ उसको दिखाई दे रहा होता है कि पानी के नीचे क्या होता है. वो अपनी कम्युनिटी को देखती है, वाटर बर्ड्स को देखते हैं जो हमेशा की तरह हार्ड वर्क कर रहे होते हैं. शी रिकोलेक्टेड द वर्ड्स शी हैड स्पोकन एंड द ओथ दे हैड ऑल टेकन. उसको वो वर्ड्स याद आते हैं, वो बातें याद आती हैं जो उसने, जब वो वाटर बर्ड थी तब उसने जो बातें कही थी, जो ओथ उसने कसम ली थी कि वो आप पानी में दोबारा वापस आएगी और सबको बताएगी कि पानी के बाहर क्या होता है, उसको सारी बातें याद आती हैं. द वॉटर बर्ग टर्न इट ड्रैगन फ्लाई वॉज ए क्रिएचर ऑफ ओनर आई कांट ब्रेक माई प्रोमिस. वो वॉटर बग जो अब ड्रैगन फ्लाई बन गई है, वो कहती है कि मैं अपना प्रोमिस नहीं तोड़ सकती, मैं अपना प्रोमिस फॉलो करूंगी, मैं पानी में वापस जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि पानी के बाहर क्या होता है. आई मस्ट रिटर्न टू माई फेलो बींग्स एंड एक्सप्लेन ऑल दैट हैड हैपेंड. तो वो कहती है कि मैं वापस जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ. She said to herself, उसने ऐसा अपने आप को कहा, shrinking of her lethargy, she tried to dive into the water. अपनी सुस्ती को तोड़कर उसने पानी में डाइव करने की कोशिश की, पानी में वापस जाने की कोशिश की. Alas, she had barely touched the surface of the water. उधर कहता है कि वो बहुत ही मुश्किल से
उसके वाटर के सरफेस को टच कर पा रही थी व्हेन शी बाउंस्ड बैक, जब वो बाउंस बैक हुई, जब वो उछलकर वापस आई. शी मेड सेवरल अटेम्प्ट्स बट इन वेन, उसने बहुत कोशिश की, बहुत बाहर ऐसा किया कि पानी में अंदर जाने की कोशिश की, परंतु सब कुछ बेकार गया, वो पानी के अंदर नहीं जा पाई. शी वॉज टेरिबली डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही ज्यादा निराश हो गई. देन इट डॉन्ड ऑन हर दैट देयर वॉज नो गोइंग बैक, तब उसको पता चला, तब उसको एहसास हुआ कि अब वो वापस नहीं जा सकती है. ड्रैगन फ्लाई जब वो बर्ड होती है तो थोड़ा भारी होती है, और ड्रैगन फ्लाई जब बन जाती है तो वो हल्की हो जाती है, उसके जो विंग्स होते हैं उसकी वजह से वो पानी को टच भी नहीं कर पाती, यानी कि पानी के अंदर नहीं जा पाती. शी कुड नॉट गो टू द पॉन्ड बेड बिकॉज शी वॉज नो लॉन्गर एज ए वॉटर बग, अब वो पानी के अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि अब वो वॉटर बग नहीं रही है. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, यह नेचर का लॉ है, यानी कि कानून है, यानी कि एक सिस्टम है. She should respect it. वोटर कहता है कि उसे समझ में आ जाता है कि उसको इस बात को मान लेना चाहिए. She consoled herself by thinking that even if she went back, none of them would recognize her in a new appearance. वो अपने आप को इस बात से समझाती है कि अब जाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी जो न्यू अपीयरेंस है, उसकी जो न्यू लुक आ गई है उसके पास, यानी कि वो ड्रैगन फ्लाई बन गई है, तो इस रूप में उसको वहां पे कोई पहचानेगा भी नहीं. अपने आप का से कंसोल करती है, समझाती है, दिलासा देती है. She would have to wait until they two become dragonflies. तो वो कहती है कि मुझे अब वेट करनी चाहिए, जब तक बाकी जो बर्ड्स हैं वो ड्रैगनफ्लाइज नहीं बन जाते हैं या बन जाती हैं, तब तक मुझे उनकी वेट. She decided to move on and flew off, wings her way higher and higher into the wonderful world of warmth and light that her transformation had brought her into. तो उसने डिसाइड किया कि वो मूव ऑन करेगी, यानी कि आगे बढ़ेगी और आकाश में उड़ेगी अपनी इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, न्यू बदलाव के साथ, जो उसको इस बदलाव ने, यानी कि इस बदलाव ने जो उसको वर्ल्ड दिया है, वो संसार में अब आगे बढ़ेगी और उड़ेगी. So, dear student, this is all about this chapter. Basically, we have understood about the dragonflies, how the transformation is done with the dragonfly. So, we have studied about this. Let's understand some difficult words are here. Bid. Bid here means suggested. Yani kisi ko kuch batana. Amazed. Amazed means extremely surprised. Kisi baat pe bahut hi jyada surprise ho jana, aashcharya chakit ho jana. Heady, heady means exciting, उत्साह भरने वाली कोई चीज. Intoxicated means here as if in a trance of excitement, यानी कि जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा excite हो जाती है, जो जो उसकी state होती है, that is called intoxicated state. Next is metamorphosis. Metamorphosis, a complete change into something very different. Certain insects, animals develop into their adult forms through this process. Metamorphosis का मतलब होता है कि transformation, यानी कि कोई बदलाव आ जाना किसी चीज के अंदर. Next is acrobatics. Difficult physical acts. Physical acts done by an acrobats. Acrobats के द्वारा किसी तरह के difficult acts करना, यानी कि जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, तो उनके द्वारा जो act किए जाते हैं उनको बोलते हैं acrobatics. Recollected means remembered, यानी कि याद करना. Lethargy means a state of having no energy, feeling very tired. एक ऐसी state जब हम बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, उस थक भी state को बोलते हैं lethargy. Next is distress. Distress means feeling upset and worried, यानी कि बहुत ज्यादा निराश हो जाना. Next is transformation, a complete change, यानी कि एक पूरा बदलाव. Right. Now let's come on the question answer. Choose the right options to complete these sentences. जो sentences दिए गए हैं उनको complete करने के लिए आपने सही option choose करनी है. First is that the lady water bug